सूचना साइक के टॉपिक मेमोरी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मेमोरी मेमोरी जो होती है ह्यूमन ब्रेन के समान होती है, यह लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड होती है। मेमोरी इफ यू वांट टू स्टोर योर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। मेमोरी तीन प्रकार की नॉर्मली होती है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इज दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी एंड थर्ड दैट इज कॉल्ड द कैश मेमोरी। तो सबसे पहले हम कैश मेमोरी पर डिस्कस करते हैं। कैश मेमोरी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी मेमोरी जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है वो हमारी कैश मेमोरी कहलाती है। तो ऐसी मेमोरी जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है उसे कैश मेमोरी कहता है। सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए यानी कि सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी कैश मेमोरी का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा ऐसी मेमोरी जो एक स्मॉल बफर की तरह काम करती है, जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर की तरह काम करती है, साइज में दैट इज स्मॉलर देन द साइज, जो साइज के अंदर स्मॉलर होती है वो हमारी कौन सी मेमोरी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड द कैश मेमोरी कहलाती है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से फास्ट होती है और ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक अस्थाई या टेंपरेरी या बफर एरिया की तरह काम करती है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंसिव मेमोरी, इसे कंप्यूटर की एक्सपेंसिव मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड के ऊपर ही लोकेटेड होती है। नॉर्मली कैश तीन प्रकार की यूज की जाती है जिसको L1, L2 और L3 कहते हैं। L1 जो होती है वो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है जबकि L2 और L3 को मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस किया जाता है। तो सीपीयू के ऊपर कैश से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक ऐसी मेमोरी जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर की तरह काम करती है कौन सी मेमोरी कहलाती है, कौन सा कैश मेमोरी कहलाती है। ऐसी मेमोरी जो सीपीयू को स्पीड अप करती है वो कौन सी मेमोरी कहलाती है, वो भी कैश मेमोरी कहलाती है। ऐसी मेमोरी जो साइज में स्मॉलर होती है लेकिन स्पीड में फास्ट होती है वो भी कौन सी मेमोरी कहलाती है, कैश मेमोरी कहलाती है। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो क्या करती है, एक्सपेंसिव मेमोरी कहलाती है, वो भी हमारी कैश मेमोरी ही कहलाती है। दूसरे नंबर पे आता है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। क्योंकि बिना प्राइमरी मेमोरी के हम कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिना कंप्यूटर के अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इसके लिए प्राइमरी मेमोरी को नॉर्मली हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इसको कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। और ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक पे आएगा रैम, दैट द रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा आता है रोम जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई ऑफ होने के पश्चात या कंप्यूटर को शट डाउन करने के पश्चात या पावर फेलियर होने के पश्चात उसमें उपस्थित डेटा लॉस्ट हो जाता है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी दैट इज कॉल्ड रैम कहलाती है। तो पावर सप्लाई ऑफ होने के पश्चात जिसके डेटा लॉस्ट हो जाता है उसे रैम कहा जाता है, इसलिए रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इसके अंदर डेटा रीड भी कर सकते हैं यहां से डेटा और इसके अंदर डेटा राइट भी करते हैं, इसको इसलिए रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अलावा रैम के ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, डेटा क्वेश्चन का रैम में स्टोर कर सकते हैं, रैम में डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम भी स्टोर कर सकते हैं, रिजल्ट भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर किया जाता है, इसलिए रैम को उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। तो रैम में डेटा भी स्टोर किया जाता है, प्रोग्राम भी स्टोर करते हैं, रिजल्ट भी स्टोर करते हैं और विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर किया जाता है। रैम जो होती है नॉर्मली मदरबोर्ड के ऊपर डिम स्लॉट पर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। डिम स्टैंड फॉर द ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसे मदरबोर्ड पर डिम स्लॉट पर लगाया जाता है। और रैम जो होती है नॉर्मली दो प्रकार की एक्सटेंशन में डिवाइड की गई है, नंबर एक पे दैट इज कॉल्ड द एस रैम और दूसरे नंबर पे आती है दैट इज कॉल्ड द डी रैम। SRAM stand for the static random access memory और D for the dynamic random access memory। Static random access memory जो 6 ट्रांजिस्टर की मैट्रिक्स से बनी होती है और इसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं होता और जिसके द्वारा हाई पावर कंजप्शन किया जाता है वो SRAM कहलाता है। तो इस SRAM के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि SRAM stand for the static RAM। स्टैटिक रैम SRAM से रिलेटेड और क्वेश्चन भी बनते हैं कि ऐसी कौन सी रैम होती है जो 6 ट्रांजिस्टर की मैट्रिक्स से बनी होती है, ऐसी कौन सी रैम होती है जिसके द्वारा हाई पावर कंजप्शन किया जाता है, ऐसी कौन सी रैम होती है जो SDRAM से फास्ट होती है। तो आंसर आएगा SRAM कहलाता है।
DRAM ऐसी रैम, ऐसी मेमोरी जो बार बार रिफ्रेश होती है, जो कंटिन्यूली रिफ्रेश होती है, उसे DRAM कहा जाता है। DRAM को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। ऐसी रैम जो क्या होती है, जिसके अंदर केवल एक जो पर्टिकुलर एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से बनी होती है और इसके द्वारा लो पावर कंजप्शन किया जाता है और ये क्या होती है स्पीड में एस रैम से स्लो होती है। नॉर्मली जब हम रैम की बात करते हैं तो रैम को अलग प्रकार की कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है। रैम के कई और प्रकार के ईडो रैम, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जो इस प्रकार की रैम जो होती है इसको ईडो रैम कहता है, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक इस प्रकार की रैम है जो पेंटियम 1 कंप्यूटर्स में यूज किया थी। 16 MB 32 MB के फॉर्मेट में आती थी, बाद में इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद जो रैम आती है दैट इज कॉल्ड द एसडी रैम। एसडी रैम स्टैंडर्ड सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जो सेलेरॉन कंप्यूटर यानी पेंटियम 3 कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती थी, यहां तक कि इसके अंदर ये साइज के अंदर 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB और 512 MB के अंदर उपलब्ध थी। आजकल इसको बंद कर दिया गया। आजकल जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड DDR है, जिसको डबल डेटा रेट भी कहा जाता है। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 के नाम से मार्केट के अंदर आ गया। आजकल हम जो है DDR3 या 4 का ही यूज करते हैं। DDR का मतलब डबल डेटा रेट विद एक्सटेंडेड FSB, क्योंकि इसके अंदर जो है फ्रंट साइड बस जिसको बोलते हैं FSB सबसे ज्यादा यूज किया गया, जो कि 1633 FSB की स्पीड पे आ रही है DDR3 रैम। आप 4 का भी यूज कर सकते हो, ये भी रैम के ही प्रकार। दूसरे नंबर पे आता है दैट इज कॉल्ड द रोम। रोम इज दैट इज स्टैंड फॉर द रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसे मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इसलिए ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, यानी कि पावर सप्लाई ऑफ होने के पश्चात या कंप्यूटर को शट डाउन करने के पश्चात भी जिसमें से डेटा लॉस्ट नहीं होता है उसे क्या कहता है, रीड ओनली मेमोरी कहा है। इसलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहलाता है। जिस प्रकार रैम वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जबकि रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, क्योंकि पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। रोम को मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जो कंपनी मदरबोर्ड बनाती है उसी के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इसलिए रोम में उपस्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं, रोम में उपस्थित प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है, तो इसे दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। उसे फर्मवेयर, इसलिए रोम को रोम में उपस्थित प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि रोम में उपस्थित बायोस की सेटिंग, रोम में किसकी सेटिंग उपस्थित होती है, BIOS की सेटिंग उपस्थित होती है, इसलिए रोम को जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहते हैं। तो रोम में उपस्थित प्रोग्राम जो सेटिंग में यूज किया जाता है उसे BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। BIOS को हम CMOS भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। BIOS दैट इज कॉल्ड CMOS। CMOS क्योंकि बैटरी के द्वारा ही इसे कंट्रोल किया जाता है BIOS को, इसलिए CMOS भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसी प्रकार रोम में क्या होता है, रोम में उपस्थित प्रोग्राम जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से रिलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा रहेगा, दैट इज कॉल्ड द बूटस्ट्रैप। रोम में एक प्रोग्राम भी उपस्थित होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से रिलेटेड होता है उसे बूटस्ट्रैप कराता है, इसलिए रोम को हम पोस्ट भी कहते हैं। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे सबसे पहला प्रोग्राम जो रोम में उपस्थित होता है इसे बूटस्ट्रैप कहा जाता है। जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से रिलेटेड होता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से रिलेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट भी कहते हैं, क्योंकि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्योंकि सबसे पहले रोम से बूट होने के बाद ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को ही चेक करता है। रोम के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी उपस्थित होते हैं। यहां तक कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रोम का उपयोग कहां किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर किया जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसका यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी रोम का उपयोग किया जाता है, और रोम भी कई प्रकार की होती है। नंबर 1 एमरोम, नंबर 2 पीरोम, नंबर 3 ईपीरोम और नंबर 4 डबल ईपीरोम। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you.